हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आज मैं आपको मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। इस पर आप लोग देखते होंगे लिंक्डइन पर, चाहे naukri.com पे, चाहे अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब पर ढेर सारी ओपनिंग्स निकलती है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स की। बट हमें कॉलेज में ऐसे टॉपिक्स के बारे में कम इन्फॉर्मेशन या फिर नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन जो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है और उसके साथ प्री कास्ट कंक्रीट है, इसके साथ कन्वेंशनल कंक्रीट्स है, कैनोपीज स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रसेस के बारे में, ये सब के बारे में हमें कॉलेजेस में उस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है कि हम जाके बाहर बता सके कि भाई मुझे इस चीज़ का अच्छा नॉलेज है। आप चाहो तो पूछ सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर वेबिनार्स स्टार्ट करते हैं, जो ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में, से ग्रीन बिल्डिंग्स है, इतना बेहतरीन टॉपिक है, लोगों को पता ही नहीं है, बीम टेक्नोलॉजी है, तो इस पर मैं वेबिनार करना चाह रहा था। तो वेबिनार से पहले मैंने सोचा कि चले पहले आप लोगों से पूछ लेता हूं, क्या आपको वेबिनार चाहिए? वेबिनार्स चाहिए तो पहला वेबिनार मैं संडे को रखना चाह रहा हूं, उसके लिए प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स मैंने टॉपिक चूज किया हुआ है, जिसका एक शॉर्ट ट्रेलर टाइप का कह सकते हैं, मूवी का ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर मैं आज लॉन्च कर रहा हूं। इसमें मुझे बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, 100 likes और कमेंट में वेबिनार, इतना अगर आप लिख के देते हैं, अगर संडे तक कंप्लीट होता है तो संडे को हम एक वेबिनार स्टार्ट करेंगे। और कोशिश रहेगी कि हर एक एवरी संडे को एक अच्छा सा वेबिनार आपके साथ ले आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज का एक ट्रेलर ऑफ द वेबिनार्स। चलिए तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट का ट्रेलर है, आगे डिजाइन और उसका भी रहेगा, वो वेबिनार के अंदर रहेगा। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स भाई होता क्या है? आप बोलोगे अरे ये तो हमने देखा था अपने आसपास में, कहीं फैक्ट्रीज में देखा रहेगा, कहीं पर जो छोटे छोटे अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स देखे होंगे, जो क्लोज मतलब इंडोर वाले रहते हैं, ऐसे जगहों पे देखे होंगे, और कई जगहों कई लोगों ने एयरपोर्ट वगैरह पे देखे होंगे, ऐसे कुछ वेयर हाउसेस में देखे होंगे। क्या है आओ देखते हैं। तो बिल्डिंग्स आर डिजाइन एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एक्चुअल डिजाइन कैलकुलेशन यूजिंग टैपर्ड सेक्शन। इसमें देखो भाई टैपर्ड सेक्शन होता है, इसके बड़े फायदे हैं, आगे थोड़ी देर में बताता हूँ क्या फायदे हैं टैपर्ड सेक्शन के। इस तरीके से टैपर्ड सेक्शन रहते हैं और देख लो कितने लॉन्ग स्पैन है। ये फैसिलिटीज आपको RCC में नहीं मिल सकती है भाई, इतने लॉन्ग स्पैन्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्टअप सेक्शन, हॉट रोल सेक्शन, कोल्ड फॉर्म एलिमेंट्स एंड प्रोफाइल्ड सीट। ठीक है, इसके ऊपर देखो आपके पास सीट भी लगी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे कोल्ड फॉर्म स्टील और हॉट रोल स्टील यूज करके, सबका कॉम्बिनेशन यूज करके इस तरीके से बिल्टअप सेक्शन बनाए जाते हैं। डिजाइन एंड कास्टिंग इज डन इन फैक्ट्री। सबसे अच्छी चीज ये है कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का हर एक एलिमेंट भाई आपके फैक्ट्री में बन जाता है। साइट पर सिर्फ बताना है भाई कहाँ लगाना है, वहाँ पहुंचोगे, क्रेन आएगी, फटाफट फिट करेगी प्लेस। मतलब जो बिल्डिंग्स आप बनाने वाले थे 6 महीने के अंदर, अगर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स को देते हैं तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में बना के दे देगा आपको। बिल्डिंग कंपोनेंट्स आर ब्रॉट टू साइट्स डायरेक्ट। उसको क्या करते हैं, फोन किया, हेलो भाई क्या है, तो टैपर सेक्शन मुझे इतने भेज देना, इतने कॉलम भेज देना, ये साइज दे देना और इतने सीट्स दे देना। ट्रक में आया आपने, फटाफट उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर इरेक्शन करवा दिया। बिल्डिंग कंपोनेंट्स आर देन फिक्स एंड जॉइंटेड एट द साइट। अब उसके बाद केवल एक ही लफड़ा रहता है, वो क्या, अच्छे से इरेक्ट कर देना, इरेक्ट करके अच्छे से इनको प्लेस कर देना, जॉइंट वगैरह लगा देना, ऑल कनेक्शन आर बोल्टेड। अभी आप सबको पता है कि कनेक्शंस जो है, इसके बारे में वेबिनार में अगर डिस्कस करूंगा तो डीप में करूंगा, कनेक्शन सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है वो बोल्टेड यूज हो रहा है, रिपीटेड लगभग लगभग जा चुका है क्योंकि उसमें बहुत नॉइज होता है, और कहीं कहीं पर बिल्डिंग यूज होता है, बिल्डिंग है बट बोल्टेड के आगे नहीं है। चलिए जी, स्टील वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन यूज है। जब ये फैक्ट्री जो कॉन्सेप्ट आया इसका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का, तो ये USA से आया, ठीक है, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर स्टील बहुत महंगा था। ठीक है, आपके यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है ना, तो आप पेट्रोल का अल्टरनेटिव सर्च करते हो ना कि यार कैसे करें कि पेट्रोल का अल्टरनेटिव, तो CNG आया ना। अभी और भी ट्रायल चल रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहा हूँ कि अभी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चार्ज हो जाएंगी खुद से और डायनमो से, और देखते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि पेट्रोल महंगा था तो हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे फ्री करेंगे, चार्जिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, इलन मस्क पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, राइट। वैसे ही USA में दिमाग लगाया किया कि यार इतना स्टील जो यूज हो रहा है इसको बचाएं कैसे, तो उसी से जनरेट हुआ PEB का कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ PEB ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, यहीं से स्टार्ट हुआ। द आइडिया वॉज दैट सेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड एज पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, क्या दिमाग में आया जब PEB का कॉन्सेप्ट चला, तो पता चला कि अगर हमको
जहां पर ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहीं पर ज्यादा स्टील देते हैं ना, जहां पर कम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहां पर कम स्टील देते हैं। तो उसे फायदा क्या होगा? उसे फायदा ये होगा कि जिसको ज्यादा भूख लगी है उसको 8 रोटी दे देंगे, जिसको कम भूख लगी है उसको 4 में काम हो जा रहा है, दोनों को 8-8 देते तो जो दूसरा वाला था उसका 4 रोटी वेस्ट जाता, तो वेस्ट किसी और को मिल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? स्टील सेव हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट है पीईवी का भाई, ठीक है। दिस लीड टू हैव सेविंग द स्टील एंड डेवलपमेंट ऑफ पीईवी कॉन्सेप्ट। यहां से आपका माइंड चला कि भाई पीबी नाम के कॉन्सेप्ट्स हो सकता है। अगर हमको इसको लगाने के लिए, हमको पता है कि ये फ्रेम है, माइक है, ठीक है, यहाँ पर पतले स्टील से काम हो सकता है, यहाँ मोटा स्टील देना है, तो क्यों नहीं, क्यों हम पैसे बचाएं ना? अगर हम सेम स्टील यहाँ दे देते तो क्या हो जाता है, इसका काम ही क्या है? ये मुश्किल से माइक है 10-15 ग्राम का, तो इसको लगाने के लिए इतना स्टील क्यों वेस्ट करना? तो समझ रहे हो, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया पीबी का। हो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अगर तुम वेबिनार के लिए कमेंट करते हो और 100 हो गए तो समझो कि वेबिनार में तो तहलका मचेगा, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। कहां कहां पे ये यूज होता है पीबी, कहां कहां पे यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पे, ठीक है, जहां जहां पे इंडस्ट्री आप देखोगे मैक्सिमम पीईबी मिलेंगे, चाहे रिलायंस का ऑफिस हो, चाहे मारुति सुजुकी का हो, और चाहे हीरो होंडा का हो, चाहे जिस ब्रांड का फोर व्हीलर ही चलाते हो, मर्सिडीज बेंज का चलाते हो, सबका वही है। वेयर हाउसेस में यूज होता है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, शोरूम्स जो बड़े बड़े आज के टाइम में देखते हो उन पे यूज होता है, ऑफिसेस में यूज होते हैं, आजकल ऑफिस भी लोग बनाने लगे, बी वर्क सुना होगा आप लोगों ने, बी वर्क के जितने ऑफिसेस हैं सब के सब पीईवी बनाए जा रहे हैं, और ऐसे बहुत ढेर सारे ऑफिसेस अब धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। स्कूल्स में आप देखते होंगे कि अभी मतलब जो ट्रेंड नए नए स्कूल बन रहे हैं, अपने वाले तो पुराने वाले थे ईंट रख के, उसमें तो कॉलम भी नहीं होता था, अभी के जो स्कूल है उनमें थोड़े थोड़े ट्रेंडिंग आ रही है, उनकी पार्किंग पूरी की पूरी पीईवी बनाई जा रही है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं दिल्ली में मैंने देखे, जो दिल्ली मतलब यूट्यूब पे देखे मैंने, तो वहां पर भी पीईवी यूज कर रहे हैं क्लासरूम्स के लिए भी, तो धीरे धीरे ट्रेंडिंग बढ़ रहा है। इंडोर स्टेडियम्स, टेबल टेनिस वगैरह, एक दिन मैं खेलने के लिए गया था, वहां पता चला मुझे कि एक घंटे का कुछ 1200 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे स्टेडियम्स के लिए भी आप इंडोर स्टेडियम्स के लिए बना रहे हो आजकल। आउटडोर स्टेडियम्स विद कैनोपीज, बड़े बड़े कैनोपीज बनाए जा रहे हैं। गैस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस टर्मिनल्स, पार्किंग लॉट्स, हर जगह पे। अगर आपने अपना इन फ्यूचर लर्निंग करने के बाद पीबी का काम स्टार्ट किया तो किसको किसको अप्रोच कर सकते हो कि भाई मेरा काम ये है, आप चाहते हो तो कर सकते हो? मेट्रो स्टेशन, बस टर्मिनल, पार्किंग लॉट्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, अभी देख रहे हो कोरोना में बहुत ढेर सारे सेट्स बनाए गए, आपको पता है, अगर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए, अब टेम्परेरी की जगह परमानेंट भी अगर किसी को बनाना होता, अगर वो पीवी का ऑर्डर देता फटाफट काम हो जाता। एंड मेनी मोर, बहुत से जगहों पे धीरे धीरे पीवी लीड कर रहा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ सालों के बाद आपके जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वो भी पीवी में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत से लोग पीवी घर बनाना स्टार्ट कर देंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, आप भी थोड़ा अमीर अमीर आदमी है तो। ये देखिए आपके सामने एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, आपके साथ आपने देखा होगा अगल बगल कहीं ना कहीं पे, ये इंडोर स्टेडियम है, ऐसे ही स्टेडियम में मैं खेलने के लिए गया था भाई। और ये पार्किंग लॉट्स है, अब देखो कितनी अच्छी पार्किंग लॉट्स बन जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्पेस है, अप्रॉक्स मुझे लगता है 40 मीटर्स तक के आसपास का स्पेस है। इतने बड़े बड़े स्पेस आप आरसीसी में भी नहीं दे सकते हो, कन्वेंशनल कंक्रीट में, कन्वेंशनल स्टील में दोगे तो दे तो सकते हो, बट बहुत ज़्यादा स्टील लग जाता है। यहाँ पर हमारी स्टील कम, प्लस ये देखो कितना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर चेक कर रखा है, इसलिए इतने अच्छे तरीके से, और स्टील डक्टाइल है इसलिए इसको इस चाहे जिस शेप पर ढाल दे रहे हो इस तरीके का ढेल आ रहा है। अब इस तरीके की बीम सोचो आरसीसी की कैसे हो जाएंगी, पता नहीं कितनी ब्रेक हो जाएंगी, कुछ बची रहेंगी कुछ दिन के लिए। रेलवे स्टेशन आपके सामने देख रहे हो, रेलवे स्टेशन भी अभी सारे के सारे लगभग लगभग पीवी पे ही बन रहे। एयरक्राफ्ट हैंगर्स, ठीक है, आप यहाँ पर आप देख रहे हो अभी कुछ लोग तालिबान से आए हैं, आपको पता चला होगा, तो ये यहाँ पर एयरक्राफ्ट हैंगर्स है। ये मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर देखो मेट्रो स्टेशन आपके सारे के सारे, दिल्ली वाले मेट्रो स्टेशन पे मैंने देखा है, बाकी और जगहों पे है। और वेयर हाउसेस, ठीक है, बियर क्यों लिखा भाई, ठीक है, यहाँ पर वेयर हाउसेस आपके बहुत बड़े बड़े, और ये हाई राइज बिल्डिंग्स आपके सामने देख रहे हो, हाई राइज बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, ज़्यादा हाई राइज नहीं कर सकते हो, 30-40 मीटर तक के अंदर क्लोज करना पड़ता है, ये पीवी का डिसएडवांटेज भी है। अभी उस पर भी काम हो रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है हाई राइज भी बनने लगे। एस्थेटिकल अपील्स बहुत अच्छी रहती है भाई, लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे क्या होता है, इससे लुक मिल जाता है। आप देखते होंगे फास्टर कंप्लीशन, फटाफट हो जा रहा है, इकोनॉमिकल है ना, बजट के अकॉर्डिंग कहाँ पे जहाँ जितनी जरूरत है उतना हैवी स्टील दे दिया, दैट्स इट, इकोनॉमिकल है,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेस्मिक रेजिस्टेंट है। आप बोलोगे सर सेस्मिक रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, भाई डक्टाइल है ना ये, तो जो चीज डक्टाइल होती है वो हमेशा सेस्मिक रेजिस्टेंस होती है। अगर क्या है सेस्मिक रेजिस्टेंस है, इजी ऑफ एक्सपेंशन। आज हमने एक फोर व्हीलर के लिए पार्किंग बनाई हुई है, कल हम थोड़े अमीर हो गए तो क्या हुआ, दो फोर व्हीलर के लिए पार्किंग बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, बोर्ड खोलो ऐड कर दो, एक्सटेंशन फटाफट होता चला जाएगा, तो क्या हो गया इजी टू एक्सपेंशन। मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है, इसमें बोल्टिंग ही तो है, तो अगर पैसा बचाने वाले हो तो आप खुद से खोल कर उसको लगा दो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बनाना मतलब कि करवाना है तो कुछ खास नहीं है, उसमें पेंट ले आओ फटाफट लगाओ और बहुत कम कॉस्ट में मेंटेनेंस कॉस्ट में आपका काम हो जाता है। लार्ज क्लियर स्पेंस, ठीक है, बड़े बड़े स्पेंस, मतलब अब आपको बार बार कॉलम्स, अभी मैं गया था एक जगह पर भेल खाने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा बड़ा अच्छा सेट्स बना हुआ था और कुछ वैशाली भेल करके था, कुछ लोग जो पुणे के उनको पता होगा बहुत फेमस है, तो उनका जो ट्रस देखा मैंने, एक ट्रस एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो एक्सपेंशन था उनका अप्रॉक्स 30 मीटर था, और कॉलम छोटे छोटे काम हो गया। मैंने वही दिमाग लगाया कि अगर ये आरसीसी रहा होता तो कम से कम यहाँ पर 30 मीटर तो जाना मुश्किल था, और किसी तरीके से अगर जाते भी तो कम से कम 650-700 mm का कॉलम हो जाता, तो सारा का सारा स्पेस उनका उसी में चला जाता है एक मीटर, तो ये फायदा होता है। कंट्रोल क्वालिटी यहाँ पर सबको देख सकते हो, क्योंकि सब कुछ फैक्ट्री में बन रहा है ना यार, बैटरी में परसेंटेज कितना चाहिए, आयरन का परसेंटेज कितना, हमको सारी चीज़ों का एकदम एक्यूरेट क्वालिटी पता है, उसके हिसाब से फैक्ट्री में प्रॉपर बन रहा है। फैक्ट्री में स्किल्स लेवर रहते हैं, आप सबको पता है, इंजीनियर्स ढेर सारे रहते हैं, तो फैक्ट्री में थोड़ी बेइज्जती भी कम होती है, तो आराम से वहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से हर एक मेंबर को तैयार किया जाता है। हैसल फ्री भाई, टेंशन नहीं है कुछ, पीवी में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको फटाफट बन के आया, लगाया, लगा के रख दिया, कल को आपको खोलना है। सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाती है, ये चीज़ आरसीसी में तो जीरो है रीसेल वैल्यू, आप सबको पता है, आप एक बार बीम बना दिया उसको बाद में बेच सकते हो क्या, बीम को नहीं बना सकते हो, इसमें आप उसको बाद में बेच भी सकते हो, लगभग लगभग इवन स्टील का प्राइस बढ़ता रहता है तो सोने का तरह उसका भी आप कर सकते हो कि आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये कुछ हैं जो कि इसके बहुत अच्छे जो फायदे हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरीके के एक थोड़ा सा कोशिश किया है कि चलो भाई दोनों में क्या कंपैरिजन है और थोड़ा सा देख ले फायदा क्या है। तो सेलवेट इसका भी होता है, इसका भी होता है, बट इसका 30% लाइटर होता है, मतलब अगर 100 करोड़ का आपका काम है तो प्राइस में भी लगभग 30% का ही रहता है, तो 100 करोड़ का काम है और 70 करोड़ हो जाए तो कितना करोड़ बच गया, 30 करोड़ बच गया। ऐसे ही वेट में भी है, अगर 100 केजी अप्रॉक्स स्टील लग रहा है एक जगह पे और एक जगह पे 70 केजी लग रहा है, तो आप सोचो कि छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ 100 केजी 70 केजी का, यहाँ पे 30 केजी सेव हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फायदा है, ये बहुत हैवी हो जाता है। प्राइमरी सेक्शंस आर टैपर्ड, इसमें जो सेक्शंस होते हैं ये टैपर्ड रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं ज़्यादातर आई सेक्शन रहते हैं, आई सेक्शन आपको पता है थोड़े हैवी होते हैं। ये है सेकेंडरी मेंबर्स लाइटर, यहाँ पर जेड सेक्शन यूज करते हैं जो सेकेंडरी मेंबर्स यूज करते हैं पलिन वगैरह के लिए, जेड और सी यूज करते हैं, यहाँ पर आई और सी यूज करते हैं, ज़्यादातर आई का ज़्यादा यूज रहता है और आई सेक्शन हैवी होते हैं, इसलिए आपका बजट बढ़ जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं भाई यार मत करो पीवी का, थोड़ा टेंशन सॉरी कन्वेंशनल थोड़ा महंगा पड़ता है, लोग इसीलिए स्टील को कम प्रीफर करके आरसीसी यूज करते थे, बट अब पीवी धीरे धीरे चीज़ों को रिप्लेस कर दे रहा है। यहाँ पर 6 to 8 weeks में सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर 20 to 26 weeks मतलब लगभग 6 to 7 months लग जाते हैं अप्रॉक्स इसको करने में। फाउंडेशन इसमें सिंपल होता है क्योंकि वेट कम है तो फाउंडेशन सिंपल होगा, इसमें क्या है फाउंडेशन हैवी हो जाते हैं क्योंकि वेट ज़्यादा है, ठीक है। इरेक्शन और कॉस्ट एंड टाइम एक्यूरेट फटाफट, इसमें क्या होता है जल्दी जल्दी इरेक्शन हो जाता है, और इसमें क्या है इसमें इरेक्शन ज़्यादा होता है प्लस कॉस्ट भी 20% से 30% तक ज़्यादा लग जाता है। इसमें ईजी स्टेप्स है, फास्ट फटाफट हो जाता है, और ये थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके होता है। तो दीज आर दी सम, मैंने सोचा कि चलो कंपैरिजन बता देता हूँ, इसके साथ मैंने आपको एप्लीकेशंस बता दिए कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और इसके साथ ही साथ कहाँ से ये उद्गम हुआ है इसका ये बता दिया मैंने आपको, और साथ ही साथ ये क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि संडे के दिन इस पर फुल वेबिनार हो। देखो यार टॉपिक जो है ना, कम से कम मैं इसीलिए यूट्यूब पे प्रॉब्लम होती है कि अगर कम से कम 2 घंटे नहीं दोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फ्री वेबिनार कर रहा हूँ, कोई भी उसके पैसे नहीं लग रहे हैं, आप आराम से वेबिनार में पा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ये कहाँ से मिलेगा पीपीटी, ये टेक्ला बैच की पीपीटी है, वैसे तो ये पीपीटी आपको यूनिक सिविल ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है, जाइए फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। संडे तक अब आपकी जिम्मेदारी है कितना शेयर करते हो, 100
प्राइवेट लाइक ही सोचिए, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद फटाफट आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का फुल वेबिनार आएगा, उसके बाद प्री कास्ट की प्लानिंग है, उसके बाद की प्लानिंग आगे आगे बताता जाऊँगा। लेट्स सी ये आपको कितना अच्छा लगता है और आपको कितना नॉलेज मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।